हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज है, सलाम अलैकुम दोस्तों। मैं सीना ट्रेडर्स बनारस से आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बैकलोज़र के धागे के ऊपर। ये जो बैकलोज़र के धागे हैं फ्रेंड्स, ये पीपी थ्रेड है, पॉलीप्रोपिलीन थ्रेड, जिसको आम बोलचाल में लोग नायलॉन के धागा बोलते हैं। ये धागा हमने फ्रेंड्स दमन पॉली थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड से मंगाया हुआ है, जो कि बैकलोज़र थ्रेड के अंदर बहुत बड़ा नाम है। आप देख रहे होंगे इस पर लिखा हुआ है पूरा दमन पॉली थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड, थ्रेडलॉन नाम से इनका धागा आता है। मुंबई से ही एक हम लोग को धागा भेजा गया है फ्रेंड्स। इसके कई तरह के रेंज आते हैं बैकलोज़र के थ्रेड में, हर तरह का ये पीपी थ्रेड बनाते हैं फ्रेंड्स। तो चार तरह के हम लोग ने मंगाया हुआ है, उसी पे वीडियो है फ्रेंड्स। में जैसा आप देख रहे हैं ये DT2 वाइट में है, ये DT2 ब्लू में है। ये दोनों ही आपका 144 पीस का कार्टन है, इसमें आपको 144 पीस थ्रेड निकलेंगे। और फिर ये देखिए DT1 है, ये भी वाइट कलर का है, ये आपका 192 पीस है, 192 पीस। और फिर इसका एक है TC2, ये वाइट कलर का हम लोग ने मंगाया हुआ है, ये 80 पीस का है, ये जंबो कोन है फ्रेंड्स। हम लोग अब ये धागे सब खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है? खोलिए इससे पहले हम लोगों ने पीपी थ्रेड के ऊपर बनाया हुआ था थ्रेड इंडिया लिमिटेड का, काफ़ी अच्छा थ्रेड थ्रेड इंडिया लिमिटेड का भी होता है, उसी टक्कर का धागा ये भी आता है फ्रेंड्स। और थ्रेडलॉन के पास ये है कि हर तरह के थ्रेड आते हैं पीपी में, इनका रेंज बहुत ज़्यादा है। बस एक एक पीस, एक एक पीस, बस एक पीस। विष्णु भाई दोनों हम लोगों ने एक एक पीस निकाल लिया। कंपनी साथ में एक बैग दे दी है, बढ़िया बैग होता है, मजबूत। पैकिंग तो बहुत अच्छी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसी तरह का कोई डैमेज नहीं होना है। चलो ठीक है, अब ये सब भी खोल लीजिए सब एक एक करके, एक एक पीस ले चलिए अंदर। पैकिंग बहुत अच्छी है, सब थ्रेड को जो है दफ्ती के कार्टन में रखा गया है, ठीक है? ये एक एक करके सब ले चलिए, उसी कार्टन के आगे यहाँ रख दीजिए, इसको भी वहीं रख दीजिए, सब उसी ऊपर डब्बे पर रख दीजिए। हाँ, ये डब्बे पर रख दीजिए, सबसे अच्छा। कलर में भी बहुत थ्रेड यूज होते हैं, किसी साल रेड यूज होते हैं, किसी साल ब्लू होते हैं। ठीक है, अंदर ले चलिए सबसे अच्छा। हाँ, अंदर ले चलिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका TC2 है, 4000 मीटर का ये थ्रेड है फ्रेंड्स। इसकी MRP 228 पड़ी हुई है। प्राइस मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्राइस के लिए अलग से मत पूछिएगा फ्रेंड्स।
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ये इसका कोड है TC2। बबलू भाई को भेजिए इधर, थोड़ा मैं आपको खोल के दिखलाता हूँ। इसका धागा थोड़ा सा खोल के निकालिए। वो जंबो कोन है फ्रेंड्स, ये सब बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी बैकलोजर के जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ बड़े बड़े मशीनें लगे होते हैं। एक तो बैकलोजर मशीन अपनी पोर्टेबल होती है जो हाथ में ले के चलती है, तो उसमें ऐसे धागे यूज होते हैं, और एक बड़ी बैकलोजर मशीनें होती हैं उसमें काफ़ी हैवी, तो उसमें आपके लंबे लंबे धागे के कोन इस्तेमाल होते हैं ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म ना हो जाए। देखिए ये है फ्रेंड्स आपका DT1, ये 1000 मीटर का थ्रेड है फ्रेंड्स। और देखिए ये DT2 है, ये 2000 मीटर का थ्रेड है। देखिए ये भी 2000 मीटर का थ्रेड है। तो ये आपके फ्रेंड्स ये दोनों 2000 मीटर के हैं, ये थ्रेड आपके 1000 मीटर के हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ 1000 मीटर के थ्रेड में और 2000 मीटर के थ्रेड में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और इसको भी ज़रा सा इसका भी खोलिए। जो आपके फ्रेंड्स ये 2000 मीटर के थ्रेड होंगे यानी DT2 और DT2 2000 मीटर, ये वाइट हो चाहे ब्लू हो, या आपका ये TC2 4000 मीटर वाले थ्रेड, ये सब थ्रेड इतने पतले आपके होंगे फ्रेंड्स। ये लगभग 500 डेनियर का धागा होता है, ये थोड़ा सा पतला रहेगा, मज़बूत बहुत होता है लेकिन थोड़े पतले होंगे। पर इसी के मुकाबले जब आप ये इसका लाइए आर्टिकल नंबर दिखा दें, जब आप थ्रेड इस्तेमाल करते हैं DT1 वाला, तो ये थ्रेड जिसमें 1000 मीटर होगा, देखिए कोन दोनों ही एक बराबर है, रहने दीजिए आप कोई ज़रूरत नहीं। देखिए कोन फ्रेंड्स ये भी इतना ही बड़ा है जितना बड़ा कोन ये है, दोनों में धागे इतने ही भरा पाएंगे जगह के मुताबिक। तो इसमें आपके मोटे धागे जब भरे जाते हैं फ्रेंड्स तो ये 1000 मीटर इसमें भरा पाता है, और इसमें आपके जो 2000 मीटर वाले थ्रेड हैं जितने भी, चाहे 2000 मीटर वाले या 4000 मीटर वाले, इसमें धागे पतले होते हैं, इसीलिए इसमें आप देख रहे होंगे कि 2000 मीटर धागा इसमें भरा जाता है। तो फ़र्क ये होता है फ्रेंड्स कि ये जो धागा होगा आपका DT1 वाला, ये मोटा धागा होगा। देखिए आप देखिए फ्रेंड्स ये फ़र्क पड़ जाता है, ये आपका मोटा धागा रहेगा, ये लगभग 800 डेनियर का धागा होता है, और ये जो धागे होते हैं 500 डेनियर के धागे होते हैं। अगर आप डबल निडिल वाली बैकलोजर इस्तेमाल करते हैं तो वो चूंकि दो सुई से एक साथ सिलती है तो उसमें ऐसे पतले ही धागे इस्तेमाल होते हैं, या फिर आप 20 kg तक के बोरी सिलते हैं तो भी ये पतले धागे इस्तेमाल करे जाते हैं, जैसे ये 2000 मीटर वाला थ्रेड है। लेकिन अगर आपको 50 kg की बोरी सिलना है और सिंगल निडिल से ही सिलना है तो फिर बेहतर ये होता है कि आप मोटा धागा इस्तेमाल करें। देखिए तो ये मोटे धागे में मज़बूती ज़्यादा होगी, डेनियर में वो इसीलिए लिखते हैं वो बताने के लिए कि इसका मज़बूती ज़्यादा होगा। बाकी अपनी अपनी पसंद है, लोग हर तरह के थ्रेड यूज़ करते हैं, पर मेन यही बात होती है फ्रेंड्स कि तो पतले और मोटे वाली बात, अगर धागा पतला रहेगा तो ज़्यादा भर आएगा और धागा मोटा रहेगा तो कम भर आएगा खून में। तो आप ये जान लें जितने भी 2000 मीटर के थ्रेड होंगे फ्रेंड्स जो बैकलोजर मशीनें हाथ में लेके चलाई जाती हैं, तो उसमें 2000 मीटर के जो थ्रेड होंगे वो थोड़े पतले थ्रेड होंगे, और जो 1000 मीटर का थ्रेड होगा ये आपका मोटा धागा होगा, और जो 4000 मीटर का थ्रेड आपने ये देखा, ये जो बड़ी बैकलोजर मशीनें होती हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं कोन वाले, इसमें भी सेम वही थ्रेड है जो आपके DT2 में है,
ये आप कोट को ध्यान रखें, अगर आपको कोई ऑर्डर देना हो तो कोट के हिसाब से ही ऑर्डर दें। ये DT2 है फ्रेंड वाइट, ये DT2 है ब्लू, दोनों 2000 मीटर होगा। ये आपका जो होगा DT1, ये 1000 मीटर होगा फ्रेंड। और अगर आपको ज़्यादा बड़ा कोन में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा कोन है, और बड़ा कोन में आपको थ्रेड चाहिए, तो फिर आपको ये TC2 है फ्रेंड, ये आपका 4000 मीटर का थ्रेड है। और थ्रेडलॉन कंपनी के ये थ्रेड हैं फ्रेंड्स, शानदार क्वालिटी है। थ्रेडलॉन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है थ्रेड को, बनाने वाली कंपनी दमन पॉली थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें एक फ्रेंड एक धागे और आते हैं, जैसे आपको मैंने ये जितने भी धागे दिखाया हूँ, ये आप देख रहे हैं टू प्लाई वाले हैं, ये देखिए टू प्लाई के, ये दो धागे को दो हिस्से एक दूसरे पे ट्विस्टेड होता है, ऐसे ऐसे घूमे होते हैं, ट्विस्टेड पूरे हुए धागे होते हैं। इसमें कुछ धागे ऐसे भी आते हैं जो ऐसे ट्विस्टेड नहीं होते हैं, वो सिर्फ रेशे की तरह होते हैं, सिंगल प्लाई उसको बोलते हैं फ्रेंड। उसमें के भी थ्रेड आते हैं, एक थ्रेड उसमें का खुला हुआ कोई है, वही सिंगल प्लाई वाला, वो जो लाल रंग का है धागा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। उसमें का धागा हम लोगों ने थ्रेडलॉन का नहीं मंगाया हुआ है, क्योंकि उसमें का धागा पहले से ही था, वो भी आपको दिखा देते हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हाँ ले आइए, जल्दी खोलिए उसे, देखिए ये इससे पहले हम लोगों ने मंगाया हुआ था फ्रेंड्स। ये भी आप देखेंगे इसके ऊपर 2000 मीटर का ये धागा रहता है, ये भी इसी तरह के धागे 2000 मीटर के होते हैं, पर ये आपका ट्विस्टेड होता है, ये रेशे वाला था। खोल के दिखा दीजिए जरा, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। उसको सिंगल प्लाई बोल देते हैं या रेशे वाला धागा बोल देते हैं, और इस धागे को जो है टू प्लाई का धागा बोलते हैं, क्योंकि दो जो आपका धागा होता है उसको दो हिस्से में अलग अलग करके एक दूसरे पे ऐसे ट्विस्टेड होता है, वो पूरे मुड़े होते हैं, ऐठे हुए धागे होते हैं इस तरह के। हाँ देखिए ये, अब ये एक धागा होता है फ्रेंड, देखिए इसको सिंगल प्लाई बोलते हैं। सेम आपका जो है यही सेम धागा होगा फ्रेंड, बस ये टू प्लाई है, देखिए ये टू प्लाई में कर दिया गया है और ये सिंगल प्लाई है, ये पूरा एक का एक राइस मिल में यही इस्तेमाल होता है। तो ये सिंगल प्लाई का, ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये वीडियो काम आए, कोई आपका फिर भी कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप हमको कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं फ्रेंड, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। शुक्रिया।